डियर स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेल्फ एडमिनिस्टर्ड क्वेश्चनियर विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूल ऑफ डाटा कलेक्शन इन सवे रिसर्च इफ वी डिफाइन सेल्फ एडमिनिस्टर्ड क्वेश्चनियर इट इज़ अ क्वेस्टनेयर दैट इज डिजाइंड एक्सप्लिसिटली टू बी कम्पलीटेड बाई रिस्पॉन्डेंट विदाउट एन अ इंटरव्यूअर्स असिस्टेंस ये एक ऐसा सवालनामा होता है जिसमें जो है रिसर्चर असिस्ट नहीं करता अपने रिस्पोंडेंट को और वो विदाउट टेकिंग हेल्प फ्रॉम द रिसर्चर और इंटरव्यू उसको कंप्लीट कर लेता है तो उसको हम सेल्फ एडमिनिस्टर्ड क्वेश्चनियर कहते हैं सेल्फ एडमिनिस्टर्ड क्वेश्चनियर मेल में भी भेजा जा सकता है ई भी किया जा सकता है फिजिकली भी दिया जा सकता है और ये वेब पे भी हो सकता है हम इसको कब यूज़ करते हैं वेन इट्स पर्पज इज ईजिली एक्सप्लेन इन अ प्रिंट फॉर्म आ, तब हम आ, जो है ये सेल्फ एक्स एडमिनिस्टर्ड यूज़ करते हैं एंड वेन द इंस्ट्रक्शन एंड क्वेश्चन टू बी आस्ट आर स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी जो रिस्पोंडेंट्स के लिए इंस्ट्रक्शन हैं और जो क्वेश्चन हैं वो इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं कि उसे उसके लिए कोई जो है क्वेरी आपको लगता है कि ना हो उसके दिमाग में तो हम इस तरह की सिचुएशन में इसका इस्तेमाल करते हैं वैन द सैम्पल साइज इज़ बिगर एंड डिस्पर्स्ट यानी आपका सैम्पल साइज बहुत बड़ा है और आपको ज़्यादा डाटा कलेक्ट करना है इन अ शॉर्टर टाइम पीरियड तो फिर भी हम सेल्फ एडमिनिस्टर्ड क्वेश्चनेयर यूज़ करते हैं एंड वेन द टॉपिक इज ऑफ पर्सनल नेचर कुछ ऐसे क्वेश्चन हों जो कि आप इन in इंटरव्यू नहीं पूछ सकते तो उसमें भी हम जो है सेल्फ एडमिनिस्टर्ड क्वेश्चन को यूज़ करते हैं इसके चैलेंजेस क्या है आ, इसका जो पहला चैलेंज है वो इसका रिस्पांस रेट है कि जब हम सेल्फ एडमिनिस्टर्ड क्वेश्चनियर यूज़ करते हैं तो उसका रिस्पॉन्स रेट लो होता है एज़ कम्पेयर टू द इंटरव्यूट कैजूअल और पर्टिकुलरली जब ये आपने थ्रू मेल भेजा हो तो फिर इसका रिस्पॉन्स रेट और कम हो जाता है आजकल जो हम वेब सर्वे करते हैं तो उसमें जो जो है इसका रिस्पॉन्स रेट थोड़ा बेहतर हो जाता है रिस्पॉन्डेंट्स ऑनेस्ट फीडबैक कि आपको जो फीडबैक दे रहा है रिस्पॉन्डेंट वो कितना ऑनेस्टी के साथ दे रहा है ये आप आ, सब, सिर्फ बिलीव ही कर सकते हैं इसको आप क्रॉस चेक करना मुश्किल है सिचुएशन एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द फिलिंग द कोस्चनेर के आपने तो भेज दिया मगर वो किस सिचुएशन में भेजा और उसने उसको किस सिचुएशन में फिल किया तो ये एक सब्जेक्टिव चीज़ है मेल क्वेश्चनियर के लिए जो कि सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड होता है फॉर इंस्टेंस आप छुट्टियों में भेज रहे हैं और वो छुट्टियों पे वहाँ नहीं है तो वो फिर रिस्पांस रेट उसका लो हो जाएगा यहाँ आपने जो है उसको तब भेजा है जब वो डिप्रेशन का शिकार है किसी वजह से अपने इकोनॉमिक क्राइसिस से तो फिर भी उसका रिस्पांस रेट लो हो जाएगा फिर इसके फॉर्मेट और डिज़ाइन के इश्यूज होते हैं कि आपने इसको कैसे फॉर्मेट किया है कैसे डिज़ाइन किया है सम टाइम आपका अगर डिज़ाइन कंप्लेक्स हो फॉर्मेट कम्प्लेक्स हो तो उसके ऊपर रिस्पॉन्स रेट जो है वो कम हो जाता है इश्यूज़ uh, की अगर हम बात करें सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड क्वेश्चनर्यर्स में तो एक इसमें होता है जिसको इशू हम कहते हैं फ्लोटर्स तो सर्वे रिसर्च रिस्पॉन्डेंट्स विदाउट द नॉलेज और एन ओपिनियन टू आंसर आ सर्वे क्वेश्चन बट हु आंसर इट एनी वे ऑफ एन गिविंग एनकसिस्टेंट आंसर्स यानी ये फ्लोटर्स उनको कहते हैं कि जो जानते नहीं हैं आपके रिसर्च क्वेश्चन के बारे में मगर वो एनी anyway वे उसको आंसर कर रहे हैं और जब वो इसको एनी वे आंसर करते हैं तो वो अनकंसिस्टेंट आंसर्स आते हैं कोई एग्री कर रहा है कोई डिसएग्री कर रहा है कोई डोंट नो कह रहा है तो फ्लोटर्स uh, तब uh, ज्यादा होते हैं जब आपकी सिलेक्शन ऑफ द रिस्पोंडेंट अप्रोप्रिएट ना हो रिसेंसी इफेक्ट इट इज़ अ रिजल्ट इन सर्वे रिसर्च दैट अकर्स वेन रिस्पोंडेंट्स चूज द लास्ट आंसर ऑफर्ड रादर दैन सीरियसली ऑल आंसर चॉइस जब आप जो है अपनी सैम्पलिंग प्रॉपरली फॉलो नहीं करते और जैसा कि आपने अक्सर देखा होगा कि स्टूडेंट्स जो है वो किसी को भी जाके सवाल सवालनामा पकड़ा देते हैं और जो रिस्पोंडेंट जिसको सवाल सवालनामा दिया होता है वो लास्ट ऑप्शंस को सिर्फ टिक कर देता है इन ऑर्डर टू फिल द क्वेश्चन तो इस फिनोमिने को हम कहते हैं रिसेंसी इफेक्ट के जो भी लास्ट ऑप्शन है उसको बस टिक कर दें सेटिस्फाइसिंग

जो है वो मिनिमम उसका आंसर करते हैं जैसे कि फॉर इंस्टेंस मंथली फैमिली इनकम पूछी है तो आप जो ब्लीस्ड uh, जो है uh, जो है ग्रुप है यानी जिसकी सबसे कम फैमिली uh, इनकम है उसको टिक कर दें ताकि एग्जैक्ट सिचुएशन ना पता चले तो इसको सेटिसफाइसिंग कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव सेलेक्टिंग एन एटीट्यूड पोजिशन बट लैकिंग एनी नॉलेज ऑन एन इशू एंड रियली हैविंग नो ट्रू ओपिनियन और व्यू ऑन इट जब आपकी एग्जैक्टली exactly उसका आपको उस क्वेश्चन का कोई नॉलेज नहीं है आपके उसके ऊपर ओपिनियन नहीं है मगर आप कोई रिस्पॉन्स कैटेगरी टिक कर देते हैं तो इसको हम कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव एंड देर इज़ फॉल्स नेगेटिव एज वेल वेन यू रिफ्यूज टू आंसर सम क्वेश्चन और विद होल्ड्स एन आंसर वेन ही और शी एक्चुअली हैज़ इंफॉर्मेशन रियली होल्ड एन ओपिनियन जब आपकी ओपिनियन है मगर आप उसको शो नहीं करते आप रिफ्यूज कर देते हैं उसको स्किप कर देते हैं क्वेश्चन को तो इसको हम कहते हैं फ़ॉल्स स्टैट जो है नेगेटिव तो ये हमने सेल्फ एडमिनिस्टर्ड क्वेश्चनियर के बारे में पढ़ा कि क्या होता है उसमें क्या चैलेंजेस हो सकते हैं उसके एडवांटेजेस क्या हैं और उसमें से जब आप उसको फिल इन करवाते हैं रिस्पॉन्डेंट से डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसमें क्या फिनमिनाज अमर्ज आउट होते हैं